हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 30 RPM डिलीवर्स 0.012 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये सारी डेटा दिए हुए हैं। फिलहाल हमको निकालना क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना, स्लिप निकालना, परसेंटेज स्लिप ऑफ द पंप निकालना। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम बना हुआ है। ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर से होते हुए जो लाइन गई है, सम्प लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है वो HS है, और डिस्चार्ज पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो HD है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप स्पीड ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज 30 RPM डिस्चार्ज इज 0.012 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो डिस्चार्ज दिया है वो एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, और पिस्टन डायमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये 0.25 मीटर हो जाएगा। जब पिस्टन डायमीटर हमको पता है, स्ट्रोक लेंथ L दिया हुआ है, L = 2R, ये कितना दिया है 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर दिया, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला हमको पता है, ALN/60। ALN/60 कैसे होता है हमको पता है, तो पर सेकेंड क्रैंक का रिवॉल्यूशन N होता है, और पर सेकेंड अगर क्रैंक का रिवॉल्यूशन N है और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाई पिस्टन इन साइड द सिलेंडर L है, तो डिस्चार्ज फ्लो रेट या डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो जाएगा, ALN/60 हो जाएगा। सिलेंडर का एरिया निकालना, सिलेंडर का एरिया हम π/4 पिस्टन का डायमीटर का होल स्क्वायर से सिलेंडर का एरिया निकाल लेंगे, A कितना निकल जाएगा 0.049 मीटर स्क्वायर। ए हमको पता चल गया, एल पता है, एन क्वेश्चन में दिया हुआ, तुम क्या भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ALN/60 से वैल्यूज पुट करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ जाएगा 0.01225 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वी नो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज टू द अपॉन टोटल थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, तो 0.012 मीटर क्यूब पर सेकेंड एक्चुअल डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम निकाल चुके हैं, 0.01225 है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9796। अब क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर इसी 0.9796 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो 97.96% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को ही हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है स्लिप बताइए, तो स्लिप हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी जून लेक्चर में, कि स्लिप में भी डिफाइंड है डिफरेंस इन बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज टू द एक्चुअल डिस्चार्ज, तो यहाँ पे स्लिप कितना आ जाएगा, 0.0025। स्लिप परसेंटेज निकालना है, तो डिफरेंस को थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्लिप परसेंटेज कितना आ जाएगा, 2.04%। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग से हमको ये पता चल गया कि जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा वो जस्ट 2 times होगा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के, और 2 times ऑफ ALN/60 विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 50 RPM, एन की वैल्यू 50 RPM दिया है, डिस्चार्ज दिया 900 लीटर पर मिनट दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 लीटर पर सेकेंड आएगा। 15 लीटर पर सेकेंड में जब 15 से 1000 से डिवाइड करेंगे, हमको 0.015 मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एक्चुअल डिस्चार्ज। मतलब क्वेश्चन में जो डिस्चार्ज दिया रहता है वो एक्चुअल डिस्चार्ज दिया रहता है, एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ। ठीक, उसके बाद स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है 400 mm, डायमीटर पिस्टन का दिया है 250 mm,
डिलीवरी और सक्शन हेड दिया हुआ 25 मीटर 4 मीटर स्लिप की वैल्यू निकालनी है और पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप निकालना। ठीक, तो यहाँ से मैक्सुअल डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद HS की वैल्यू 4 मीटर, HD की वैल्यू 25 मीटर। ठीक, स्ट्रोक लेंथ 2R 400 mm, इसको 0.4 मीटर हो गया, हज़ार से डिवाइड करके। पिस्टन डायमीटर 250 mm, 1000 से डिवाइड किया, 0.25 मीटर डायमीटर हो गया पिस्टन का। उसके बाद सिलेंडर का एरिया हम निकाल लिए, पिस्टन डायमीटर हमको पता है एरिया कितना हो जाएगा, 0.04987 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में N इज इक्वल टू 50 RPM भी दिया हुआ है, तो हम स्लिप ऑफ द पंप कैसे निकाल सकते हैं। स्लिप ऑफ द पंप देखते हैं, स्लिप ऑफ द पंप क्वेश्चन में निकालने को कहा है। तो स्लिप, यू नो दैट स्लिप इज अ डिफरेंस इन बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम बताए हैं 8/60 का 2 times हो जाएगा, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना आ गया, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया 0.03 to 7.5 meters के ऊपर से। स्लिप निकालना है, स्लिप कैसे निकल जाएगा, स्लिप 0.03 to 7.5 माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज 0.015 हम निकालें, ये क्वेश्चन दिया है। तो स्लिप कितना आ गया, 0.01 double 7.5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रिसीव बिल्डिंग पंप। यू नो दैट जी पावर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड हो जाएगा रो जी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इनटू स्टैटिक हेड। रो की वैल्यू हमको पता है 1000 होती है, जी की वैल्यू 9.81, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमको पता है। उसके बाद HS प्लस HD भी पता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमको पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव पंप आ जाएगा 9.309 kW। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एज ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 150 mm एंड ऑफ स्ट्रोक लेंथ 300 mm, द सेंटर ऑफ द पंप इज 4 meters अबव द वाटर सरफेस। और सेंटर ऑफ द पंप 4 meters अबव द वाटर सरफेस, इसका मतलब ये सक्शन हेड दिया है HS। द एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड, एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड 10.3 meters दिया है, और ये हमको पता भी होता है कि यही वैल्यू होती है। पंप इज रनिंग एट 40 RPM, एन की वैल्यू दिया हुआ है। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप आर 5 meters एंड 10 cm, मतलब लेंथ कितना है, LS 5 दिया है, डायमीटर 10 cm, ये 10 cm है, 10 cm। ठीक, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सीलरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक एंड इन द मिडिल ऑफ सक्शन स्ट्रोक। इसके लिए हमको इंडिकेटर डायग्राम देखना पड़ेगा। तो सक्शन स्ट्रोक यहाँ पे आप देख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 degree पे ये हमको मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है HAS, ये को मिल रहा है HS। तो HAS हमको निकालना है, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 0 degree पे और थीटा इज इक्वल टू 90 degree पे। और इस आप क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ ये देखते हैं। क्वेश्चन में अगर देखेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायमीटर दिया पिस्टन का, ठीक, से एरिया निकाल लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देख सकते हैं आप HS की वैल्यू दी है 4 meters, एटमोस्फेरिक एड किया, ये RPM ये दी है, सेक्शन पाइप का लेंथ 5 meters, डायमीटर 10 cm। तो एरिया कितना हो जाएगा, 5/4 d² से 0.007854 स्मॉल एरिया से निकल गया सेक्शन पाइप का एरिया। प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सीलरेशन एट थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर सक्शन स्ट्रोक निकालना है, तो हमको ये फार्मूला पता है, L/g कैपिटल A/स्मॉल a नो के ओमेगा स्क्वायर r पर थीटा, जो कि सक्शन पाइप के लिए निकालना है। तो सफिक्स में s और लगा देंगे हो जाएगा L/g कैपिटल A/स्मॉल a ओमेगा स्क्वायर r पर थीटा, थीटा 0 रखिए, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है, सारी वैल्यूज रखने के बाद हमको HAS मिल जाएगा 2.89 meters। और मिडिल स्ट्रोक में यही मिडिल स्ट्रोक में क्या करेंगे, मिडिल स्ट्रोक में थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, तो हमको लास्ट में वैल्यू क्या मिल जाएगी,
लास्ट में वैल्यू 0 निकल गई है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, थैंक यू।